शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के लिए नवाज शरीफ खुद मुतहरिक, फ्रंट सीट संभाल ली। लीग कायद की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, JUI सरबरा को हुकूमत साजी में मदद के लिए राजी करने की कोशिश। नवाज शरीफ की ऐवान में महमूदा चकसई से भी मुलाकात, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी बैठक लगाई। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक 25 मिनट की मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं का इंतहाई खुशगवार मूड रहा, मुस्बत इशारे दिए गए। लीग रहनुमाओं ने दावा किया कि नवाज शरीफ खासी हद तक मौलाना को कायल करने में कामयाब रहे हैं। फजलुर रहमान ने राना सना से कहा, मुबारक हो आपके कायद के कुछ मुतालिबात मान लिए। मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त, JUI सियासी कमेटी का इजलास, जल्द तलब किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की गुजारिशात को पेश किया जाएगा। आपको बताएं, अपने भाई के लिए एक और भाई हाजिर, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के लिए नवाज शरीफ खुद मुतहरिक, फ्रंट सीट संभाल ली। लीग कायद की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुस्लिम लीग नून और MQM में हुकूमत साजी के लिए मुआहदा तय, 3 नुकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के मुताबिक इंतजामी और माली इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे। NFC अवार्ड्स की जिले और टाउन की सतह तक तकसीम पर तरमीम लाएंगे। हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का कानून बनाया जाएगा। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम जमातों के पास जाने का ऐलान कर दिया।